इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है और इसके लिए जो कुर्बानियां दी गई हैं और दी जा रही हैं वो रायगा नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल जो चाहिए वो हम अपना तमाम बाकी अखराजात कम करके तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। जो सिपा सलार हैं कि अनवेवरिंग रिजॉल्व है कि इस दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी कैबिनेट के इजलास से खिताब, कहा दुश्मन के साथ बातचीत हो सकती है, ना ही नर्म रवैया इख्तियार किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे खाक में मिलाएंगे। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए मुतहद होना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा बलूचिस्तान में नाराज़ ग्रुप के साथ बातचीत हो सकती है, सिर्फ सब्ज़ हिलाली झंडे के नीचे आने वालों के साथ मुज़ाकरात होंगे। बहुत जल्द बलूचिस्तान का दौरा करूँगा। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपये की मंजूरी भी दे दी। दहशतगर्दों ने हमला किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। बलोचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। जो समझते हैं कि वो ऐसे वाकयात से हमें डरा सकते हैं, उन्हें जल्द पैगाम मिल जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वजीर अला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलोचिस्तान में जो हुआ वो नाकाबले बर्दाश्त है। वजीर अला बलोचिस्तान बोले दहशतगर्द साफ टारगेट तलाश करके हमला करते हैं, इस वक्त भी दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है, हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ है। हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये सड़क की रेकी करने आ रहा है या ट्रेवलर है? जब हम उनको रोकते हैं तब भी आपको इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफरों को उतारते हैं, 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं, इस वक्त भी उनका पीछा किया जाता है। हर दिल रंजीदा है जो कुछ कल बलोचिस्तान में हुआ है। जो लोग पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने चाहिए। जो इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम करे, उनकी मजम्मत करे। देखिए ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसके हमारी दो राय नहीं हो सकती। कम वट में एट वट एवर प्राइस हमने मुल्क में अमन वापस लाना है। 2013 का डाटा उठाएं, हफ्ते में कितने टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे और एक्सीडेंट्स हुए पाकिस्तान में। मुज़ाकरात पाकिस्तान को रियासत तस्लीम करने वालों से ही होंगे, नाराज़ी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पहाड़ों पर चढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब, कहा किससे नाराज़ हैं, रियासत माँ जैसी होती है, माँ से कैसे नाराज़ी। बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ उस पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है, अब भी कहता हूँ ताखीर नहीं हुई, मिल बैठ कर मसाइल हल करने चाहिए, हमें हर कीमत पर अमन इस्तेहकाम वापस लाना है, दहशतगर्दी का खात्मा करना है, कहा दुश्मनान ने पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने देना, बलोचिस्तान के मसले पर हमें इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए, बलोचिस्तान हमारे दिल के करीब है, वज़ीर आज़म कल बलोचिस्तान जाएंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने पेश किया, बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की जानिब से तरमीमी बिल की मुखालफत, शिबली फराज बोले बिल बदनीयती पर मुश्तमिल है, हमें यह ना कहा जाए कि कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है तो हम भी कर दें, यहाँ बैठे कानून साज लोग भेड़ बकरियाँ नहीं, मुकद्दस ऐवान का मजाक ना बनवाया जाए। मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद, मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मैं नजूमी नहीं कि बता सकूँ हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं, इस पार्लियामान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझता, 12 साल से PTI के साथ मुखालिफत रही, दोनों जमातों में मामलात इतनी जल्द दुरुस्त नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान समेत दीगर छोटे सूबों में वसाइल के मसले देखने की ज़रूरत है, बलोचिस्तान के मामलों पर सिक्योरिटी एजेंसियाँ ही बेहतर बता सकती हैं।
बानी पीटीआई पब्लिक न्यूज़ की मतवाजन और गैर जानबदार रिपोर्टिंग के मुतरफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर उस्मान मुगल और जियो न्यूज़ के रिपोर्टर शबीर डार को जेल ट्रायल की कवरेज से रोकने पर बानी पीटीआई का एहतजाज। समाअत रोकने का मुतालबा, अदालत के जज नासिर जावेद से मुकालमा, कहा दोनों रिपोर्टर मतवाजन और मुसद्दका रिपोर्टिंग करते हैं, जब तक उन्हें कवरेज की इजाज़त नहीं मिलती समाअत नहीं चलेगी। इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में मजीद इख्तलाफात सामने आ गए। इसरा के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकानी असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदे से हटा दिया। आतिफ खान पीटीआई पेशावर रीजन के सदर और शेर अली अरबाब जिला पेशावर के सदर थे। आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वजीर आला पर एतमाद से मुतलिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम और शेर अली अरबाब की जगह इरफान सलीम को पार्टी ओहदे दे दिए गए। शेर अली अरबाब ने कहा है कि उन्हें ओहदे से हटाने की वजूहत का इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार चैलेंज कर दिया। पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार में नहीं आती। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने दायरा अख्तियार और सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस को जेर इल्तवा रखने की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत 18 सितम्बर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ तौहीनी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। सराय के मुताबिक उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी पीटीआई फवाद चौधरी के खिलाफ पहले ही तौहीनी इलेक्शन कमीशन के केस जेर समाअत हैं। इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी को नोटिस। मेंबर सिंध असेंबली निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन समाअत 4 सितंबर को करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। फवाद चौधरी ने जवाब जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से बात मांगा था। 2 साल पुराने केस में बानी पीटीआई एक बार इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो चुके हैं। डी जी एंटी करप्शन पंजाब के इख्तियारात दोबारा बहाल। इख्तियारात कम करने वाला ऑर्डिनेंस 5 माह बाद खत्म। डी जी एंटी करप्शन चीफ सेक्रेटरी की इजाज़त के बगैर अब किसी भी अफसर पर हाथ डाल सकते हैं। एंटी करप्शन हुकाम ने डी जी के इख्तियारात की बहाली और दोबारा इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार, सेक्रेटरी पी एन डी डॉक्टर आसिफ तुफैल पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज होने पर डी जी एंटी करप्शन ने इख्तियारात पर बड़ा कट लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल कैद काटने वाले दोहरे कत्ल के मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने 9 सफहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक गुलाम शबीर उम्र कैद से ज्यादा सजा काट चुका। मुतअद्दिद अदालती फैसलों में सजाए मौत को उम्र कैद में बदला गया। कहा गया डेथ सेल के कैदियों के बुनियादी हकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। सजाए मौत का मतलब ये नहीं कि मुजरिम के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाए। जेल के फरसूदा कवानीन पर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। वफाकी हुकूमत ने IPPs के माहदों पर नजरसानी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने IPPs माहदों पर नजरसानी के लिए टास्क फोर्स बना दी। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली आला अस्करी नुमाइंदा भी शामिल। टास्क फोर्स IPPs के साथ माहदों पर नजरसानी से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करेगी। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स को 1 माह में सिफारिशात जमा कराने की हिदायत। दूसरी जानिब सीनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम ने स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट और कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात तलब कर ली। तमाम 104 IPPs माहदों की तफसीलात तलब की गई हैं। पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ की मद में फेस्को को 4.5 अरब रुपया जारी कर दिए। फेस्को को जारी रकम से सार्फीन को अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा।
ज़राए के मुताबिक फैस्को के तकरीबन 16 लाख सारफीन 200 से 500 के दरमियान यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिन्हें रिलीफ मिलेगा। ताजर बरादरी की जानिब से 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR को ताजरों से बातचीत की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR ने ताजर नुमाइंदों को आज मधु कर लिया। मौलाना फजल रहमान ने 28 अगस्त को ताजरों की हड़ताल की हमायत कर दी। कहा कि कल मुल्क भर में होने वाली हड़ताल की मुकम्मल हमायत करते हैं। महंगाई और नाजायज टैक्स ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने आवाम के मुंह से नवाला छीन दिया। JUI कारकुन पुरम हड़ताल को कामयाब बनाए। मुल्क भर में JUI बिजनेस फोरम इस हड़ताल में भरपूर हिस्सा ले। लाहौर तहसीलों के एतबार से सूबे पंजाब का सबसे बड़ा शहर बन गया। मजीद 5 तहसीलों का इजाफा। जिला लाहौर की तहसीलों की तादाद 10 हो गई। नई तहसीलों में नश्तर, वाहगा, इकबाल टाउन, रावी और सादर शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी। 5 नई तहसीलों के लिए 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स की खिदमत कमिश्नर लाहौर के सुपुर्द। मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला सितंबर के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। कराची में तूफानी बारिशों के बायस जलधा लेक हो गया। स्टील टाउन, शाहरा कायदीन, सदर MA जिना रोड, अजीजाबाद, नाजिमाबाद, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और तारिक रोड पर हर तरफ पानी ही पानी। बारिश और तूफान के बायस फीडर्स जवाब दे गए। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप होने से बिजली गायब। शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में रिकॉर्ड की गई। तौंसा शरीफ कोहे सुलेमान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तगियानी फसलें डूब गईं। दूसरी तरफ दरियाए सिंध पर गुद्दू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सक्खर बैराज पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुद्दू और सक्खर बैराज के कच्चे में 50 से ज्यादा तिहाड़ डूबने का खदशा। इरीगेशन हुकाम ने बंदों के पुश्तों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। जिला इंतजामिया का कहने का दरियाए सिंध में पानी की आमद से कोई खतरा नहीं है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत ने बारिशों के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल कर ली। तालीम इदारे खुलिया बंद रखने से मुतालिक गौर किया जा रहा है। वजीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। समंदर में भी तुगयानी का खदशा है। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। हमल झील, तमंचर झील बंदों को मजबूत किया जा रहा है। कमजोर मुकाम की भी निगरानी जारी है। निकासी आप के लिए टाउन्स को जरूरी मशीनरी फराहम कर दी गई है। शर्जील मेमन ने कहा कि शहरी किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकाम से तआवुन करें। ईवान सदर में चीनी आर्मी चीफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने चीनी आर्मी चीफ को एजाज से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत।